आज संगम नगरी आने वाले हैं और यहां पर महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ साथ मंच के ठीक पीछे प्रधानमंत्री तमाम महिलाओं से अलग से बातचीत भी करेंगे। कुछ महिलाएं जो हैं उनसे प्रधानमंत्री सीधे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर जो तमाम योजनाएं चल रही हैं वो उन तक पहुंची हैं या नहीं। इसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो मंच के पीछे होल्डिंग्स हैं वो लगाई गई हैं, चाहे वो पेंशन योजना हो या जो बालिकाओं के लिए जो छात्रवृत्ति योजना हो, उन सब चीजों का जिक्र जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ जो स्वयं सहायता समूह है उनको लेकर जो सरकार काम कर रही है उनके लिए भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ यूपी की 14,000 ग्राम पंचायतों में जो बीसी सखी कार्यरत हैं उनका जिक्र किया गया है। मंच के ठीक पीछे एक जो है कमरा बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री तमाम उन महिलाओं से बातचीत करेंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है और प्रधानमंत्री उनसे सीधे रूबरू होकर उनसे उनकी समस्याएं पूछेंगे और उनको बताएंगे कि आगे सरकार क्या कुछ काम करने वाली है। उसके साथ ही साथ उनसे फीडबैक भी लेंगे। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल अघुवंशी, जी मीडिया प्रयागराज। विशाल हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गया, उन्हें का रुख कर लेते हैं। विशाल, कैसी तस्वीरें, क्या तैयारियां चल रही हैं आज, दिखाइए तस्वीरें। महिलाएं लग रहा है पहुंचने लग गई हैं भारी संख्या में। हाँ देखिए, बिल्कुल, चूंकि आधी आबादी की आज बात होनी है, प्रधानमंत्री आधी आबादी से बात करेंगे, तो हम इस वक्त आधी आबादी के बीच ही मौजूद हैं और ये तमाम वो लाभार्थी हैं जिनसे आज प्रधानमंत्री जो है वो संवाद करने वाले हैं। इसके साथ साथ तमाम वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं और यही वो तस्वीर है जो तस्वीर बताती है कि जब आधी आबादी की बात आती है तो क्यों हम कहते हैं कि उन सब की सहभागिता होनी चाहिए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री आज सीधे जो है इन लोग से बातचीत करेंगे। 2,72,000 महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं उनसे बात भी करते हैं। प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग के बीच में? अच्छा लग रहा है सर। क्या कुछ मानती है कि कुछ बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री, क्या कुछ कहेंगे आप लोगों से, आज कुछ बड़ी घोषणा कहेंगे? सशक्तिकरण करने के लिए कुछ योजनाएं उनके, कुछ प्लान्स तो होंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग यहीं के हैं, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग ड्यूटी लगी। अच्छा, ड्यूटी लगी है। देखिए ये तमाम और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं सीधे तौर पर और ये कह सकते हैं। कहाँ से आई हैं आप? सिद्धौर ब्लॉक से। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ उम्मीद है कि क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री? सर अच्छा लग रहा है, उम्मीदें भी कुछ ज्यादा लेके आए हम लोग भी, वो भी कुछ ज्यादा ही देंगे। उम्मीदें लेकर आए हैं जी, कहाँ से आई हैं आप? सिद्धौर ब्लॉक से। क्या कुछ उम्मीद लेकर आई हैं प्रधानमंत्री जी से? जी उम्मीद लेके आए हैं, कुछ कहेंगे बताएंगे जानकारी। अच्छा, इतने बड़े पैमाने पर जो है आज महिलाओं को बुलाया गया है, 2,72,000, इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर संवाद नहीं होता था, आधी आबादी को बुलाया गया है, कैसा महसूस हो रहा? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम प्रधानमंत्री को साक्षात देख पाएंगे और हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर आए हैं, वो हम लोगों का खुद स्वागत कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, कहाँ, ये बताइए कि क्या करती हैं आप, किस प्रोफेशन से जुड़ी हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आई हैं? हम समूह सखी हैं अपने ग्राम पंचायत की। और प्रधानमंत्री ने आज बुलाया है संवाद के लिए, कैसा लग रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि संवाद किया जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये तस्वीर आपको हम कहने में से चाहेंगे कि तस्वीर दिखाएं और ये तस्वीर है, ये तस्वीर बताती है कि क्यों आखिरकार जब हम बात करते हैं कि आधी आबादी की तो तस्वीर बहुत कुछ होती है। आप आई है, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आज संवाद करेंगे, क्या कुछ आपको उम्मीद है, क्या कुछ कहेंगे? सर हमें बहुत उम्मीद है कि मतलब अच्छा ही है, जो भी कहेंगे जो भी है मतलब उनके मन में आज कहेंगे अच्छा लगेगा जो भी है। कुछ बच्चियां भी उनसे बात करते हैं। जरा बनमीत का भी रुख कर लेते हैं, अयोध्या से हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। कैसे तस्वीरें बनमीत, क्या कुछ कहना है महिलाओं का, काफी उत्साहित लग रही होंगी आज क्योंकि एक बड़ी सौगात मिलने वाली है? निश्चित रूप से बहुत उत्साहित लग रही है और आप देखिए कि ये वो मात्र शक्तियां हैं, नारी शक्तियां हैं, उसमें कई लोग हैं, स्टूडेंट भी हैं, गृहिणी भी हैं और जो बाहर वर्क करने वाली वो भी यहाँ पे मौजूद है। पहले हम स्टूडेंट से बात करते हैं। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री प्रयाग में हैं, यहाँ पे महिलाओं से संवाद करेंगे, महिलाओं को सौगात देंगे, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत जोर दे रहे हैं? जी, ये हमें भी लगता है, हम भी न्यूज देखते हैं और ये जो मोदी जी हैं हम लोग के लिए भी कुछ मदद कर रहे हैं, हम लोग में भी मतलब कि बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग को भी, महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं अब महिलाएं सशक्त हुई हैं? जी हाँ, हुई है। दरअसल जिस तरह महिलाओं को वो संबोधित कर रहे हैं, जिस तरह पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से तो
ठीक है, निश्चित रूप से वास्तु में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आपको क्या लगता है, आप क्या करती हैं पहले बताइए? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग के लिए जैसे हम लोग की स्थिति पहले थी वैसे बहुत सुधार आ गया। आजकल महिलाएं हर काम में आगे हैं, शिक्षा में और बाहर हर चीजों में, पॉलिटिक्स में, हर चीज में वो आगे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, निश्चित रूप से महिलाएं बहुत आगे। एक चीज और देखने को मिला, जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी हर एक सेक्टर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है, आपको क्या लगता है कि वास्तव में उन सेक्टर में महिलाओं बहुत मजबूत हुई हैं? बहुत ज्यादा मजबूत हुई उन्होंने, मतलब मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं महिलाओं के लिए, उनकी बेरोजगारी दूर की, उनको काम करने के लिए आगे बढ़ाया, उनको मतलब सफलता दिलाई। और किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में हम लोग अपने को सेफ महसूस करते हैं। जैसे हम लोग पहले कहीं भी जाने में डरते थे, अब बहुत सेफ महसूस करते हैं। उनके राज में हम लोग की अच्छी सफलता हम लोग को मिली है, रोजगार मिला। जो योजनाएं यानी कि चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, वो उन तक पहुंच भी रही है, उनका लाभ भी उठा रही है, काफी खुश भी नजर आ रही हैं। आपके पास हम लौटेंगे, जरा अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित लखनऊ से जुड़े, उनके साथ महिलाएं मौजूद हैं। सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास है सरकार का अंकित, उससे रूबरू हो रही है महिलाएं, आधी आबादी को कैसे लाभ मिल रहा है, क्या कुछ उनका कहना है बताइए। संपर्क नहीं हो पा रहा अंकित से, कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। गुफरान भी जुड़े हुए हैं, महिलाओं के साथ मौजूद है। गुफरान, क्या कुछ कहना है महिलाओं का? पर माघ और कुंभ का मेला लगता है, लेकिन इस बार बेहद खास है आज का दिन। आज के दिन अगर प्रयागराज की बात करें, परेड ग्राउंड की बात करें, तो यहाँ पर मातृशक्ति का महाकुंभ लगा हुआ है। दूर दराज से महिलाएं जो है यहाँ पर पहुंची है, बड़ी संख्या है उनकी, साफ तौर पर उनमें उत्साह है आज के दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपना संबोधन करेंगे। मैम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, किस तरीके का आज उत्साह है आप लोगों में। देखिए महिलाएं हैं मैम, आप लोग शामिल होने के लिए महिलाएं जो है बड़ी संख्या में जो है वो सीधे तौर पर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो रही है।